वेलकम बैक सिडस्टर्स, माय नेम इज सिड और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं माइनक्राफ्ट। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट खेले हुए बहुत टाइम हो गया है, रियली नो अबाउट इट। और दिक्कत ये हो रखी थी कि मेरे को टाइम थोड़ी नहीं मिल रहा था और सीरियसली अभी भी मेरे पास कोई प्लान नहीं है इस एपिसोड का। मैंने कुछ सोचा हुआ है बट आई डोंट रियली नो। बाय द वे, मैंने यहाँ पे देखो ये पूरा चेंज करके ग्रास ब्लॉक्स पे कन्वर्ट कर दिया है। पहले यहाँ पे सिर्फ पॉडजोल हुआ करता था एंड अभी मैंने इसे पूरा ग्रास ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया है। अभी भी देख रहे होगे तुम लोग, यहाँ पे ये डर्ट है तो अभी ये फिलहाल ये ग्रास ब्लॉक्स में कन्वर्ट होना बाकी है। एंड मैंने इस एरिया को भी काफ़ी फ्लैटन कर दिया है। यहाँ पे एक पॉन्ड सा था छोटा सा जो कि अच्छा नहीं लग रहा था, तो आई एम मेकिंग अ एनिमल फार्म ओवर हियर। पर अभी नहीं, अभी मेरे पास रिसोर्सेज की काफ़ी कमी है। एज यू कैन सी आई हैव ओनली 11 आयरन। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, मैंने एक और चीज़ सोची हुई है जो कि एक सेकेंड के लिए लगा कि मेरा गेम लैग हो रहा है एंड आई जस्ट रियलाइज कि मेरा रेंडर डिस्टेंस 72 चंक्स पे था। आई वॉज प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट इतना ज़्यादा रेंडर डिस्टेंस था। आई थॉट कि मेरे को थोड़ा बहुत लैग फील हो रहा है बट ठीक है, आई डोंट रियली नो रिकॉर्डिंग में कैसा हुआ बट या तो हाँ, जहाँ जो मैं बोल रहा था, आई नीड सम वुडन लॉग्स फॉर दैट बाय द वे और एक एंडरमैन मेरे पीछे पड़ गया है तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है ये। तो मेरा इस एपिसोड में ज़्यादा कुछ प्लान तो है नहीं वैसे, लेकिन मैंने एक चीज़ सोची थी जो कि मैं अपकमिंग एपिसोड में करूँगा। एज यू कैन सी ये हमारा वो वाला एरिया है जहाँ पे हम पहले सेटल्ड थे, तो आई एम थिंकिंग, पता नहीं उस जगह से हमेशा क्यों आवाज़ आती है, हमेशा का हो गया अभी है। तो आई एम थिंकिंग कि मैं इस एरिया पे समवेयर अराउंड हियर, मैंने ये थोड़ा सा फ्लैटन भी किया है इस जगह को एज यू कैन सी। तो मैं सोच रहा था इस एरिया पे आई वुड बी मेकिंग अ समथिंग लाइक यू कुड से लाइक द, अरे यार ये तो पहला ब्लॉक ही गलत हो गया। थ्री एंड देन एक सेकेंड, तो आई हैव नॉट ए डिसाइडेड कि ये ओक का होएगा या कैसा होएगा बट लेट्स सी, ओक होएगा या स्प्रूस होएगा, विल सी दैट कौन सी वुड रखूँगा मैं। और ये 7 ब्लॉक्स ऐसे रहेंगे, देन सिंपल एज दैट, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो आई वुड बी मेकिंग समथिंग लाइक अंडरग्राउंड, समथिंग लाइक दैट बियॉन्ड इस माउंटेन के अंदर। मैं उसे नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दूंगा बिकॉज आई डोंट रियली नो कि माउंटेन कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, तो आई डोंट वॉन्ट टू रुइन माई बिल्ड। और मैं अपना ये अंडरग्राउंड थोड़ा ज़्यादा ही लंबा रखना चाहता हूँ। तो एज यू कैन सी ये माउंटेन ज़्यादा दूर तक तो है नहीं, तो आई वुड बी एक्सटेंडिंग इट बिलो। वैसे नीचे की तरफ एक सीढ़ी टाइप की बना दूंगा थोड़ा सा आगे जाने के बाद, सो दैट वुडेंट बी अ प्रॉब्लम। और अब हम यहाँ तक आ गए हैं तो नहीं, एक्चुअली हमें नहीं करना चाहिए बट आई डोंट नो, मेरे को एक क्राफ्टिंग टेबल एक्चुअली बना लेनी चाहिए। मैं हमेशा तो घर भाग के जाऊँगा नहीं, तो आई शुड मेक अ क्राफ्टिंग टेबल राइट ओवर देयर। और मैं ना एक्चुअली एक शील्ड बनाना चाहता हूँ, आई डोंट रियली नो कि शील्ड, अच्छा बन गई, तो शील्ड हमारी बन गई। अब मैं जाना कहाँ चाहता हूँ, मैं एक्चुअली उस जगह पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे मेरे को स्पॉनर मिला था लास्ट एपिसोड, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी दैट स्पॉनर, उसमें क्या लूट है। तो मैंने तुम लोग को अपने अगले एपिसोड का प्लान तो बता ही दिया कि मैं वहाँ पे एक अंडरग्राउंड समथिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। ओ आई गेस यहाँ पे वॉन्डरिंग ट्रेडर यहाँ तक आ गया। ओके तो आई गेस कि समवेयर अराउंड ही इधर ही था मेरा, डोंट रियली रिमेम्बर, पता नहीं किस तरफ था। 2000 years later. Oh, ये रहा, यही तो है स्पॉनर। हाँ तो आई एम स्टिल अ बिट अफ्रेड टू गो देयर बट अब जाना तो पड़ेगा, ठीक है ना, जाना तो पड़ेगा। आयरन भी बहुत है यहाँ पे जो कि मुझे एक्चुअली चाहिए था। मेरे पास टॉर्चेज नहीं है इतने क्योंकि मुझे अभी बना लेने चाहिए क्योंकि मैं बाद में पछताना नहीं चाहता हूँ। आई फील कि वो इधर ही है, मुझे छोटे ज़ॉम्बीज की भी आवाज़, ओ अभी तक, ओ है ओ तेरी, मर गए भाई। लाइट करो भाई, मैं पैनिक क्यों होने लगता हूँ ऐसे सिचुएशंस में, पता नहीं क्यों सब होने लगते हैं, लगता है
मरना नहीं है ना अभी स्टार्टिंग फेज में है भाई, मर मुरा गए वो गोल्डन हॉर्स आर्मर, नाइस आई एम हैप्पी विद दैट। मेरा कान, लेफ्ट कान अचानक से सुन पड़ गया पता नहीं क्यों, मैं सब कुछ ही ले लूँगा, इट्स गुड, सब कुछ ही ले लो। ओ एंचा, ओ प्रोटेक्शन टू, नॉट बैड नॉट बैड। ओ भाई मेरे को लगा, मैं अभी जस्ट बोलने वाला था कि सिर्फ आर्मर दिया है, सैडल नहीं दिया इन्होंने, और दैट्स व्हेन दे गेव मी अ सैडल। और अब हम यहाँ तक आ चुके हैं, मेरी इन्वेंट्री भी काफ़ी खाली है, तो आई एम थिंकिंग कि काफ़ी खाली थी, ओके तो आई गेस मेरे को ये सब फेंक देना चाहिए, आई डोंट रियली नीड दीज, एंड आई मे नीड द बोन टू बी ऑनेस्ट, बट आई डोंट थिंक कि मेरे को रॉटन फ्लैश की इतनी ज़रूरत है, रॉटन फ्लैश मैं कभी भी ग्राइंड कर लूँगा, डोंट रियली वॉन्ट दैट। तो अब हमें माइनिंग करनी थी इस एपिसोड, आई थॉट कि मैं यही कर सकता हूँ बिना प्लानिंग के, तो यही कर लेते हैं, क्योंकि मुझे डायमंड्स भी ढूंढने हैं अभी, तुम भाई सब प्रोग्रेस कर रहे हैं, मेरे जो भी दोस्त लोग हैं उनके भी माइनक्राफ्ट सीरीजेस हैं, तो सब दो दो तीन तीन एपिसोड में डायमंड ढूंढ लेते हैं, मतलब यूट्यूबर्स भी होते हैं बहुत जो सेकेंड एपिसोड में ही डायमंड ढूंढ लेते हैं ढेर, तो भाई हमें कहाँ है पीछे रहना है, हम भी तो कर ही लें, तो डायमंड नहीं आयरन ले लें थोड़ा, आयरन की भी काफ़ी कमी हो रखी है मेरे पास, तो ये ले लिया मैंने थोड़ा सा आयरन, हमारा आयरन मिल गया। अच्छा हाँ, मेरे को मालूम है कि मैंने आजकल वीडियोस पोस्ट करना बड़ा स्लो कर दिया है, बीच में बहुत फास्ट हो गया था, आई डोंट रियली नो कि अभी मैं कितने दिन फास्ट रह पाऊँगा, बिकॉज माई कॉलेज इज़ फाइनली स्टार्टिंग एंड आई एक्चुअली वॉन्ट टू अटेंड दिस कॉलेज सीरियसली, क्योंकि मैंने करीब समझ लो 4 या 5 महीने से पढ़ाई नहीं करी होगी, और अब जब फाइनली चालू हो रहा है, एंड आई एम एक्चुअली अ गुड स्टूडेंट टू बी ऑनेस्ट, तुम लोग मानोगे नहीं बट हाँ आई एम अ गुड स्टूडेंट, लेकिन तब भी आई वॉन्ट टू कीप माई ग्रेड्स असाइड फ्रॉम ऑल दिस फन, ऑल दिस फन। भाई मैं अंग्रेजी क्यों बोलने लगता हूँ, एक तरफ मैं बोल रहा हूँ मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, दूसरी तरफ मैं अंग्रेजी इतनी बकवास बोल रहा हूँ, आई डोंट रियली वॉन्ट टू स्पीक एनी थिंग, भग जाओ यहाँ से। फिर कुछ नमूने आ जाएंगे जिनका नाम मुझे सेंसर्ड करना पड़ेगा, और फिर मतलब सेंसर करना पड़ेगा, और फिर वो लोग चालू हो जाएंगे, मुझे अपने घर जाने की कोई इतनी ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे को कोऑर्डिनेट्स कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे। मेरे को ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं, कैन एनीवन टेल मी अबाउट इट प्लीज़, क्योंकि ये आवाज़ें रात के समय में बड़ी डरावनी लगती है, और मैं रात को रिकॉर्ड करता हूँ भाई, पता नहीं ये माइनक्राफ्ट बेमतलब की आवाज़ें क्यों इंट्रोड्यूस करता है जब इसका कोई मतलब नहीं है। तो बड़ा अच्छा सा जगह है ये, यहाँ पे बीच में पानी भी गिर रहा है, मस्त, आई कैन मेक अ बेस ओवर हियर टू बी ऑनेस्ट। मेरे को ओ ओ ओके ओके, तो गुड स्टफ मेरे को दिखना चालू हो गया है, नाइस आई एम रियली हैप्पी, मैं इस लेवल पे आ चुका हूँ, गोल्ड मोर गोल्ड नहीं आयरन है वो एक्चुअली उधर, ओके तो गोल्ड, मैं गोल्ड ले लूँ फटाफट, आई डोंट थिंक उसके आगे बाजू और होगा, और गोल्ड मैंने कहाँ देखा, वी समवेयर इधर, 11th लेवल डायमंड लेवल बॉयज, आई डोंट नो मेरे को डायमंड मिलने वाला है कि नहीं, बट आई होप कि मेरे को डायमंड मिल जाए। आई गेस मेरे को आजू बाजू खोद के एक बार देख लेना चाहिए, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट रहता हूँ अपने डिसीजंस पे कि नहीं होगा वहाँ पे, बट एक्चुअली वहाँ पे था। अरे ये ग्रेवल ना जान ले लेगी मेरी। तो मैंने एक बहुत स्टूपिड सा मूव कर दिया है, मैं अपनी केव छोड़ के जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, बिकॉज मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल ऊपर भूल आया, एंड आई हैव नो वुड, आई गेस मेरे पास वुड नहीं है, नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ अब ऊपर। भाई मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मैं इतना फटाफट ऊपर कैसे निकल आया, और डोंट टेल मी कि मैं अभी भी घर के बाजू में ही निकला हूँ। तो हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं, मेरे को मेरे क्राफ्टिंग टेबल मिल गई, और लेट्स गो डाउन अगेन।
मेरे को लगा मैं मरने वाला हूँ फिर से, क्योंकि मेरे साथ होता रहता है सब ट्रेजेडी। तो मैं किसी 11th लेवल पे तो आ चुका हूँ, बट इट्स नॉट द सेम 11th लेवल। एज यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑब्सीडियन एंड ऑल है। मैं यहाँ पे ये रास्ता ही बना लेता हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं काफ़ी ऊंची नीची जगहों पे नहीं चलना चाहता। अपन आयरन आयरन ही तोड़ते रहते हैं फिलहाल। अभी मर जाता मैं, डिडंट सी दैट हैपनिंग। ऑलवेज कैरी अ शवल बाय द वे, डोंट पैनिक, फटाफट शवल निकालो तोड़ लो। इसीलिए मैं अपने चारों टूल्स इन्वेंट्री में हमेशा रखता हूँ, बिकॉज इट्स डम्ब अगर तुम इधर उधर रखो तो कुछ भी हो सकता है। देर आर मेनी चांसेस कि डायमंड तुम्हारे आजू बाजू हो और तुम तोड़ नहीं रहे हो चीज़ें और तुम्हें मिले ही ना, तो बहुत बार होता है। तो इस वजह से मैं चांस नहीं उठाना चाहता इस बार कि भाई हो सकता है ना इसके पीछे ही हो डायमंड, भी मिल जाएगा तो अच्छी बात है। डायमंड तो नहीं है इसके पीछे डेफिनेटली, तो मेरे को देख के समझ में आ गया। तो सरप्राइजिंगली पूरा एरिया मैंने करीब करीब छान मार लिया है, और मेरे को पूरे एरिया में कहीं से भी थोड़ा सा भी डायमंड नहीं मिला। बट आई गेस आई गॉट समवेयर अराउंड 2.5, नहीं भाई 2 स्टैक भी आयरन नहीं हुआ। इतनी क्या सक्सेसफुल कुछ भी नहीं थी उस हिसाब से। तो तुम 11 गोल्ड के वो मिले, रेडस्टोन मिला और 1 स्टैक। इट्स सक्सेसफुल, डिसेंट लूट, माइनिंग एपिसोड फर्स्ट के हिसाब से सही है, लेकिन ठीक है चलो। मतलब और बेटर हो सकता था अगर थोड़ा माइनक्राफ्ट की वर्ल्ड हमारी कोऑपरेट करती तो। आई एम प्रिटी, मतलब मैं मिक्स्ड मूड में हूँ इस समय। सो इट्स काइंड ऑफ अ सक्सेसफुल एपिसोड यू कुड से। सो आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। एंड इस तरफ से होता है मेरे हिसाब से, इसी तरफ से होता है, तो बाय बाय एंड पीस।